हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्रता यानी कि संशोधन विधेयक 2022 को पास किया है। विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाते हुए संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझने वालों के मंसूबों में पानी फिरेगा और लव जिहाद जैसे मसलों पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हो सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं कुछ लोगों की मंशा होगी अपने व्यक्तिगत कुछ कारण होंगे कई चीज़ों की वजह से कह रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेंगे। और सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो जनहित में निर्णय लेती है, और सरकार ने ये निर्णय जनहित में लिया है, जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया है। और जाम की व्यवस्था भी पूरी बनी रहती है, महंगाई का भी है, कई कारण है उसके, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत लंबे समय से उस पर जो है कि रिसर्च चल रहा था। सबसे चर्चा वार्ता करने के बाद में और जनहित में जो निर्णय जनता के हित में जो होगा उसको लेकर निर्णय सरकार ने लिया है।